गंगा जहाँ पति पत्नी लड़ते हैं, लिखो नहीं कोई बात। अब सबने कहा हमारा इतना बड़ा संकल्प, बोले जैन तपस्या है, संकल्प है हमारा, अब क्या करें, साधु जी का संकल्प कैसे पूरा करें। बहुत दिन निकल गए, विचार संत भूखे प्यासे रहे, भोजन नहीं करे किसी के हाथ का, बोले जहाँ पर पति पत्नी लड़ते होंगे वहीं जीवूंगा, वहीं भोजन, मुझे घर दिखना चाहिए बस, मैं अपने मन से जाऊंगा वहां पर। वो महाराज पूरे नगर में घूमे, अचानक को दिखा नहीं उनको, बोले भोजन नसीब होगा नहीं, चलो मैं चलता हूँ यहाँ से। वो नगर के बाहर, नगर के बाहर एक थोड़ा सा दूर गए थे, एक गांव आया, उस गांव में देखा कि दूर एक घर बना हुआ है, वहां से लड़ने की आवाज आ रही है, वहां से लड़ने की आवाज़ आ गई। सोचा आज तो रोटी नसीब होगी, आज से भोजन करूँगा पक्का, भोजन करूँगा, क्योंकि मुझे संकल्प में कि जहाँ पति पत्नी लड़ते होंगे वहाँ भोजन करूँगा। अब क्या करें, वो गए वहाँ पर, बाहर उस दरवाजे पर एक टोकरी माँ बैठी थी, एक अम्मा जी चश्मा लगा के बैठी थी। पूछा माँ साहब राम राम, हाँ महाराज जी प्रणाम करूँ, ये अंदर आवाज़ किसकी आ रही है। बोले महाराज तुम तो तुम्हारा काम करो तो रोज का लड़े, ये तो रोज का लड़े, कोई कोई से कम नहीं पड़े, रोज लड़े। तो माँ साहब हे दोनों हे कौन, बोले महाराज तो एक पति पत्नी धनी हो गई है, रोज का लड़े, वाह वाह आज तो भोजन पक्का मेरा, आज भोजन तो करूँगा। संतन का ये मेरा घर, आज भोजन ही करूँगा। दरवाजा खटखटाया, पत्नी बाहर आई, पति बाहर आए, सामने संत खड़े, महाराज प्रणाम करते हो, क्या बात है। संत ने कहा मत पूछो, ये कोई कम नहीं है, ये कोई कम नहीं है। पति ने कहा महाराज ये भी कोई कम नहीं है। संत ने कहा बताओ बात है तो क्या, आप वो लड़ते क्यों। बोले महाराज लड़े हमारे कुछ नहीं है, लड़े एक ही बात की है बस, आप सुनो तो बताएं। हाँ बताओ, फिर भोजन करोगे नहीं, पहले बताओ क्या है। बोले महाराज बात कुछ नहीं है, जरा सी बात है बस, क्या बात है। पहले पत्नी ने कहा महाराज मेरे सुनो, पत्नी ने कहा महाराज पहले मेरे सुनो, ये आप दोनों सुनिए फिर बताओ क्या। पत्नी ने कहा महाराज जब हमारी नई नई बात पक्की हुई थी, नई नई जब देखा पक्की हुई थी, हम जब मिलते थे पार्क में बगीचे में, तब मुझे चंद्रमुखी कहते थे, तब मुझे चंद्रमुखी कहते थे, खुश होती थी, ओ इतना नाम चंद्र शीतल देने वाला चंद्रमुखी कहते थे। महाराज में खुश के मारे दो से ज्यादा लेते थे, खुश होती थी। वो समय निकल गया महाराज, हमारा ब्याह हो गया, शादी हो गई, आप ब्याह के दो साल बीते थे, चंद्रमुखी तो गया पानी में, सूरजमुखी कहना शुरू कर दिया। अब क्या कहते हैं सूरजमुखी कहते हैं, सूरजमुखी कहते हैं, ठीक है अच्छा नाम है सूरजमुखी भी, फूल का नाम है सूरजमुखी। महाराज एक बार तो हद हो गई, वो मंदिर में भागवत जी हो रही थी, रुक्मणी ब्याह था, कल तो देर हो गई वहाँ पर, मैं देर से ही कहते आगे वाला मुखी, आगे वाला मुखी, और कब तक सेन करूंगा, कहाँ चंद्रमुखी, कहाँ सूरजमुखी, और आप कहते ज्वालामुखी कहते हैं। पति ने कहा महाराज ये भी कोई कम नहीं है, ये भी हद कर दी महाराज, जब हमारी बात पक्की हुई थी नहीं नहीं, तब कहते थे सुनो प्राणनाथ, प्राणनाथ कहाँ चले गए, प्राणनाथ के अच्छा नाम प्राणनाथ। समय बीतता गया महाराज, ब्याह शादी हो गए, दो बच्चे हो गए, बाद में कहती ओ दीनानाथ जी, ओ दीनानाथ, पहले प्राणनाथ था अब दीनानाथ हो गए। आ महाराज मैं सरकारी आदमी रिटायर हो गया, कुछ काम धाम करता नहीं, हो गया और अनाथ क्या कर रहे।
कि महाराज काम प्राण नाथ का दीना नाथ और आपका कहती है और अनाथ क्या करो तुम्हारा ये जीवन है। जब बच्चे थे तो प्राण नाथ थे माँ की गोदी में चुपचाप बैठे रहते, माँ को प्राण से प्यार रखते थे, प्राण नाथ थे। जवानी में दीना नाथ हो गए, जवानी में ये नाथ, वो बुढ़ापा किसका है अनाथ का है, कोई खाए तो